मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगा जिससे आपके फूड के एक्सपेंसेस बिल्कुल कम भी हो सकते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएम यूके। सत श्री अकाल, जय श्री राम। पर आज हम बात करते हैं यूके के अंदर आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या कुछ रहते हैं, और बेसिकली मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने कुछ हैं। तो देखिए, जो सबसे मेन यूके के अंदर एक्सपेंस रहता है का अकोमोडेशन का रहता है, मेरे केस में मैं गाइस पे करता हूँ 350 एंड उसके अंदर मेरे सारे के सारे बिल इंक्लूडेड हैं। मैं और मेरा एक फ्रेंड शेयरिंग के अंदर रहते हैं, एक फुल रूम का हम पे करते हैं 700 डॉलर्स। तो उसके अंदर हमारे सारे बिल इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हमारा वाईफाई का बिल, हमारा गैस का बिल और लॉन्ड्री का बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ हमें एक बार में पे करना होता है वो अपना फाइनलाइज। और यही अगर आप बिल्कुल सेंट्रल नर्मन के अंदर अगर आप देखते हो तो वो थोड़े से आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इंस्टीट ऑफ 350 आपको वो 400 तक हो जाएगा, इवन आपको 400-450 के तक भी रहता है, ठीक है। ये तो बात हुई शेयरिंग की। अगर कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको शेयरिंग वगैरह नहीं करनी थी, तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी होता है कि आप एक बॉक्स रूम्स होते हैं, मतलब ये बिल्कुल ही काइंड ऑफ छोटे रूम होते हैं और आपका पर्सनल रूम रहता है, आपको कोई किसी का इंटरव्यू उसके अंदर नहीं होता। उसका जो रेंट है वो ऑलमोस्ट आपको 400-450 तक रहता है, ठीक है। ये तो था आपका बेसिकली अकोमोडेशन करके कितना एक्चुअली आप यूजली, जो सबसे मेन आपका बिगर एक्सपेंसिस रहता है वो ये है, ठीक है। सेकंड देखिए, जो मेन एक्सपेंस रहता है दोस्तों वो आपका रहता है फूड के रिगार्डिंग, कि डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कुछ खाते हैं। आप मतलब घर में अगर आप कुक करके खाते हैं तो आपका फूड एक्सपेंसिस बिल्कुल ही कम रहता है, और अगर आप ऐसे है कि आपको बाहर खाना पसंद है, मतलब यूजली आपको कुकिंग वगैरह नहीं आती, तो फिर आपका एक्सपेंस हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। मेरे केस में देखिए यार, मैं यूजुअली अपना घर पे कुक करके खाता हूँ जितना भी हो सकता है। और अगर आपको बेसिक्स में यहाँ पे प्राइजेस वगैरह देखिए बताऊँ तो देखिए आपको यहाँ पे 5 kg का जो एक राइस होते हैं वो अच्छे वाले मिल जाते हैं 9 से 10 pounds के, और आपको 1 pound का आपको एक ब्रेड का पैकेट आ जाता है, 1 pound 70-80 pence का आपको एक मिल्क का आ जाता है। और अगर आप एग्स वगैरह खाते हैं तो फिर आपको लिए बिल्कुल ही इजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो एक यूजुअली, और हाँ, शॉपिंग भी डिपेंड करती है गाइस कि आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, जो कि सेंसबरी है यहाँ पे, एक टेस्को है यहाँ पे, एक लीडल है यहाँ पे। मैं जो बेसिकली प्रेफर करता हूँ, मैं जाता हूँ यूजुअली लीडल पे, देखिए क्योंकि वो एक तो मेरे घर के बिल्कुल पास में रहता है, और अगर मैं देखूँ उसका प्राइस कंपेरिजन कहीं ना कहीं दूसरे स्टोरों से कम पड़ता है। तो मैं मतलब ये हो गया कि मतलब 10 दिन में या 15 दिन में एक बार हम चले जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेरा उसका एक्सपेंस रहता है, और मैं कभी कभी बाहर भी खाना खा लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए वीक में एक बार मैंने बाहर अगर कोई मैकडोनल्ड वगैरह खा लिया, तो अगर मैं पाँच बार वो काउंट कर देता हूँ, यहाँ पे एक मैकडे का मेला लगा लीजिए कि 5-6 pounds का आता है, तो 30 pounds आप उसका लगा लीजिए, उसको इंक्लूड करके आपका जो ग्रोसरी का एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम आपका 100 pounds आएगा दोस्तों। अगर आपको घर पे खाना बनाना आता है तो घर पे खाने में आप बेसिक से राइस बना सकते हैं, आप ब्रेड्स वगैरह बना सकते हैं, आप चपातियाँ बना सकते हैं, आप सब्ज़ी वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको उसका 100 pounds पड़ता है एक्सपेंसेस आपका। ये हो गया आपका फूड का एक्सपेंस। इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगा जिससे आपके फूड के एक्सपेंसेस बिल्कुल कम भी हो सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बने रहिएगा इस वीडियो में। थर्ड जो चीज़ यहाँ पे हमारी रहती है दोस्तों, वो रहती है आपके ट्रैवलिंग, जो कि एक सबसे बड़ा एक्सपेंस अपना वो भी आता है। देखिए ट्रैवलिंग के यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें रहते हैं, ठीक है। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप ओस्टर कार्ड यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं, उसका 20 pounds आपको कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और स्टूडेंट पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है कि आप वीकली उसको टॉप अप करवा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 17-18 pounds का आपको डिस्काउंटेड रिचार्ज हो जाता है। वो सिर्फ बस के लिए वैलिड रहता है, और उस टैप से आप 1 week में जितना मर्जी चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। ये रिचार्ज आप तभी करवाइएगा यार, जब आपको ये है कि आपको डेली काम वगैरह पे जाना है, और मतलब आपको बस से ज़्यादा ट्रैवल करना है, और मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपका डेली का काम है तो आप ये टॉप अप वगैरह टॉप अप करवाइएगा, बट स्टूडेंट और स्टाफ ज़रूर मनवा लीजिएगा, पता नहीं होता कि उसकी आपको कब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली अगर आप बस से देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 18 pounds आप ये लगा लीजिए वीक का, ठीक है। और यूजुअली हम यहाँ पे ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन का जो एक्सपेंस रहता है दोस्तों वो बहुत ही मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 times रहता है जो आप बस का ट्रैवलिंग करते हैं ना।
और यहाँ पे मतलब अगर आप एक बार टैप इन करके, डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ पे मैं रहता हूँ और वहाँ से अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अभी तो मतलब हॉलीडेज़ वगैरह का टाइम चल रहा है, बट पहले जब मैं एक यहाँ से टैप इन करके वहाँ पे जाता था और आने से जाने का मेरा को वन टाइम का ऑलमोस्ट 9 से 10 pounds का एक्सपेंस हो जाता था। तो मतलब ट्रेन का थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो 7 to 8 days बेसिकली हम मेरे को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ तो 120 से 150 आपका मैक्सिमम यहाँ पर ट्रैवलिंग का एक्सपेंस पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप कोशिश ज़्यादातर यही करते हैं, अगर आपको चलना प्रेफर करते हैं तो आप यहाँ पे यूजुअली वॉक ही करते हैं, ठीक है। तो और थर्ड जो यहाँ पे अपना एक्सपेंस रहता है वो आपका रहता है कि यू नो लाइक मोबाइल रिचार्ज वगैरह का। देखिए मैं जैसे ही लंदन के अंदर आया था, मेरे एक यहाँ पे कज़न कह सकते हैं आप, वो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब करते हैं एक नेटवर्क प्रोवाइडर के अंदर, 3 नाम है उसका। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि एक बेस्ट नेटवर्क है यहाँ पे या कुछ भी है या फिर उसकी सिम बेस्ट है, इवन मैं काफ़ी टाइम पे उसका इशू फेस करता हूँ कि कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह, अगर आप थोड़ा सा मतलब ट्रेन के अंदर चले जाते हैं बेसमेंट्स वगैरह में तो यूजुअली उसके नेटवर्क चले जाते हैं। बट देखिए रीज़न क्या था मेरा ये चूज़ करने का, वहाँ पर एज ए स्टूडेंट हमें डिस्काउंट मिला। मैं पे करता हूँ दोस्तों 9 pounds 50 pence, मतलब कि 9.5 pounds, जिसमें मुझे एक महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं इन लंदन और अनलिमिटेड मुझे इंटरनेट मिलता है। मैं जितना मर्ज़ी नेट चाहे यूज़ कर सकता हूँ, जितनी मर्ज़ी मैं कॉल्स कर सकता हूँ। तो अगर एक तरीके से आप देखें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बन जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर बेसिक तो देखो अपने यही 4 एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे रहते हैं, अकोमोडेशन का जो मैंने आपको बताया 350 से 400, दूसरा फूड का जो आपका मैक्सिमम 120 से 150 आएगा। और हाँ फूड के एक्सपेंसेस में दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए 2 types रहते हैं यहाँ पे। अगर आप खुद कुक करना चाहते हैं जैसे कि मैं करता हूँ तो 100 से 120 आपका हो जाता है, ठीक है, पूरे मंथ का आप अच्छा करके उसमें खा सकते हैं। सेकंड क्या रहता है कि कुछ बच्चों को खाना बनाना प्रेफर नहीं करते या फिर जो आते ही जॉब वगैरह स्टार्ट कर देते हैं तो उनके पास टाइम भी नहीं होता, ना ही वो बनाना प्रेफर करते हैं। तो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मैंने उनसे बात करी थी, वो गाइज उन्होंने यहाँ पर टिफ़िन भी लगवा रखे हैं। कहते थे उनका मतलब उनका जो मंथली फूड का एक्सपेंस है वो 140 pounds का है और उसमें उसको वीक में 6 days उसको टिफ़िन मिलता है गाइज, और उस टिफ़िन के अंदर उसे 10 chapatis मिलती हैं, 2 types की सब्ज़ी मिलती है और कोई एक स्वीट मिलती है उसको या फिर मतलब दही वगैरह मिलती है, और वो उसका पे करता है 140 pounds फॉर ए मंथ। तो मतलब वो भी अच्छा रहता है और कहता खाना अच्छा आता है भाई, मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने मंगा लिया तो आप रिग्रेट करोगे, नहीं खाना अच्छा आता है, आप इजीली खा सकते हो, बढ़िया खाना होता है अपना, मतलब लोकल स्टोर्स वगैरह से ही कह रहा था, जैसे पंजाबी मतलब स्टोर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आके अपने ये तो ना टिफिन सर्विस वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से घर से मतलब उसको खाना लेके आता है। तो आप ये भी लगवा सकते हैं अगर आप मतलब कि खुद के ग्रोसरी वगैरह नहीं करना चाहते, तो बात सिर्फ यही रहती है कि 40 से 50 pounds का आपको डिफरेंस पड़ जाता है। खुद अगर आप सारा कुछ करके खाते हैं तो आपको मैक्सिमम 100 pounds, जिसमें आप बना के भी खा सकते हैं, इवन आप कई बार बाहर भी खा सकते हैं मंथ में 5 से 6 times। और अगर आप खुद बनाना नहीं चाहते हैं तो आप टिफ़िन वगैरह भी लगवा सकते हैं। तो हाँ बेसिकली यही चीज़ें रहती थी, एक बार दोबारा मैं कवर कर देता हूँ। तो 350 आपका हो जाएगा रूम का रेंट, ठीक है, 350 से 400, मीन वाला हम 350 काउंट करके चलते हैं पहला। सेकेंड जो आपका रह जाता है ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस 100 से 150 आपका। और थर्ड जो आपका एक्सपेंस रहता है वो आपका फूड का। फोर्थ जो आपका एक्सपेंस रहता है वो आपका रहता है इंटरनेट वगैरह का। इसको छोड़ के अगर आपके कोई एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आते, और डिपेंड देखो हम आप पे ही भी करता है यार कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है ना। अगर आप एक पार्टी वाले बंदे हो कि आपको पसंद है बाहर खाना पीना ये वो, तो फिर आपके एक्सपेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप हो जैसे मेरे जैसे बंदे, मतलब कि भाई ठीक है मेरे को सिर्फ अच्छा खाना चाहिए और मेरे को कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, कोई आउटगोइंग कोई कुछ नहीं, तो फिर आपका एक्सपेंस बिल्कुल ही मतलब अच्छा है यार, कुछ नहीं, बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। तो यार मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, फूड के एक्सपेंस यहाँ पे आपके कम हो सकते हैं। देखिए यार बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ एक लोकेशन से यहाँ पे जैसे साउथ होल हो गई, हेज हो गई, यहाँ पे ये अपने इंडियन कम्युनिटी है यार, और यहाँ पे सिखिज़म कम्युनिटी भी बहुत ही अच्छी है मतलब ना। और हमें पता है जहाँ पे अपनी सिख कम्युनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारे पास होते हैं गुरुद्वारा, समझ रहे दोस्तों, गुरुद्वारा टेम्पल्स, जहाँ पे कि आप मतलब यार
आप कभी भी जा सकते हैं, आपको मतलब हमेशा वहाँ पे फूड मिलेगा यार। अगर साउथ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो साउथ वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, इवन मैं भी यार, मतलब एक वीक के अंदर कम से कम दो बार तो मैं ये लगा लो कंपलसरी मैं सिख टेम्पल के अंदर जाता ही जाता हूँ भाई। तो अगर आप 2 डेज भी सिख टेम्पल के अंदर जाते हो, मतलब बैठते हो वहाँ पे, आप थोड़ी सी सेवा कर देते हो और आप फूड खाते हो वहाँ पे, तो सोचो यार आपके एक्सपेंसेस कितने की, मतलब कम हो जाते हैं ना। कुछ एक फ्रेंड हैं जो 2 की जगह 3 दिन में जाते हैं, इवन 4 दिन भी जाते हैं, और बच्चे वहाँ से टिफ़िन भी पैक करवा के लेके चले जाते हैं, बताओ। तो कितना मतलब अपने लिए एक सहूलियत यहाँ पे हो जाती है। तो मैं, अगर कोई भी मेरा दोस्त वगैरह आएगा तो मैं उसे एक चीज़ ये रिकमेंड करना चाहूँगा यार, अगर आप लंदन के अंदर आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस एरियाज़ के अंदर आइए। देखिए, एक तो आपको यहाँ पे होमसिकनेस वगैरह फील नहीं होगी, एक अपनी कम्युनिटी दिखेगी तो आपको थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। बिल्कुल इंडिया के जैसा माहौल है यार, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में बात करने की, हिंदी में बात करके हाँ जी अंकल जी मैं ये लेना चाहिए, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं भाई। अभी रिसेंटली मैं और मेरा एक दोस्त, मेरे दोस्त ने आईफोन लिया है पुराना, तो उसको डाटा केबल नहीं मिली, तो हम डाटा केबल लेने गए एक शॉप पे गए हम, तो वहाँ पे अंकल ने बोला कि 7 पाउंड की आएगी। दूसरे शॉप पे हम गए तो अंकल ने बोला भाई साहब ये आएगी 8 पाउंड की। तो हमने उस अंकल को बोला, मैं क्या नहीं चाहिए अंकल, तो कह रहा है बच्चे क्या हो गया बताओ तो सरी। मैं कह नहीं, वहाँ पे वो दूसरे वाले अंकल 5 पाउंड के दे रहे हैं, आप यही चीज़ें 8 पाउंड की दे रहे हैं। कह रहे बच्चों फिर आप बताओ, बताने में क्या दिक्कत है भाई। उस बंदे ने वो डाटा केबल हमें 5 पाउंड की दे दी। तो मतलब है कि यार ये थोड़ा सा वो इंडिया वाला हमें फील आता है। और अगर आप इन एरियाज़ में रहते हैं, साउथ होल अगर आप हो गया, हेज वगैरह आपका हो गया, या इनके आसपास में कोई एरिया, तो फिर आप सिख टेम्पल में भी जा सकते हैं। तो गाइज, आपके जो मैंने बताया 100 से 120 पाउंड आएंगे ग्रोसरी के, वो आपके 50 पाउंड रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा भी नहीं जाना चाहेंगे, कई बार अगर आप काम वगैरह पे जाते हैं, आप लेट नाइट को आते हैं, तो आपको बना के खाना ही रहेगा। तो गाइज, इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा जॉब्स के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे जॉब्स का करंट में क्या सिनेरियो है और आप यहाँ पे जॉब कैसे सर्च कर सकते हो। और मैं मतलब 22 मई को यहाँ पे लैंड हुआ था और 27 मई को मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो वो मैंने कैसे सर्च करी, और मेरा कोई यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं था ऑनेस्टली जिसने मुझे जॉब के लिए रिकमेंड किया हो, तो जो भी कुछ किया अपने सेल्फ पे किया था, कुछ एक ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा बेसिकली गाइज, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बेसिकली आज के लिए तो इतना ही, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अंदर गाइज। जय श्री राम, बाय बाय गाइज़।